गाइज ये बढ़िए, इसको मेरे लिए कुछ करना चाहिए। लगता है केक होने वाला है, मुझे खाने मिलने वाला है। हैप्पी बर्थडे। ये बिन बर्थडे का केक कटा जा रहा है मानसी का। वेरी नाइस। हे गाइज वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज आज मेरे दिमाग में एक मस्त सा प्लान आया है। मैंने सोचा है कि क्यों ना आज मैं मनस्वी को एक टास्क दे दूँ। मतलब बेसिकली एक मनस्वी के लिए एक चैलेंज होने वाला है, मतलब कुकिंग चैलेंज, जो उसे काफी पसंद है। मनस्वी आर यू रेडी फॉर इट? यस आई एम रेडी। तो बता क्या करने वाली है मेरे लिए? जो तू बोलेगी वो। ऐसे इजीली थोड़ी बोलूंगी मैं। मैंने एक प्लान सोचा है, अभी मुझे पता है इसको लाइक ऐसे इतनी डिफिकल्ट चीज बना के लूंगी ना मैं तेरे से। देखते मनस्वी कैसे बनाती है। भाई किस खुशी में? भाई तेरी शादी है भाई, किस खुशी में? मैं गाइज ये बढ़िए, इसको मेरे लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन नहीं, इधर तो सब उल्टा होता है। प्लीज अभी ऐसे मेरा मन हुआ है कि मुझे आज खाना है मनसी के हाथों से, तो मनसी बना के खिलाएगी मुझे, क्यों नहीं? हाँ भाई ऐसे तो बैठते भाई, ना बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा। फिर से बोल। नहीं बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा। सही बात है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं चिट्स निकालूंगी और जो भी मेरे मन में है, मतलब मुझे खाने की इच्छा है, वो मैं चिट्स पे नाम लिखूंगी और कौन से भी चिट तू उठाएगी वो तुझे बनाना पड़ेगा। आर यू रेडी? मतलब भाई तू चिट्स बनाएगी? हाँ, उसमें जो भी लिखा हुआ आएगा वो तुझे मेरे लिए बनाना होगा। ठीक है भाई, ठीक है। ऑब्वियसली मैं ऐसे ही नाम लिखूंगी जो मनुष्य को बनाने आते हैं, जो सारे अब देख ही लो ना मैं इतना क्यों बोल रही हूँ। चल बुक निकाल, चिट्स बनाएंगे। कैसे लोग रहते हैं यार, मैं तो गंदी हैंडराइटिंग है तो सीधा पेज ही फाड़ डालते, अजीब है। गाइस द चिट्स आर रेडी, उसमें जो मुझे खाने का मन है मैंने लिख दिया है, तो देखते हैं मन से कौन सा सिलेक्ट करने वाली। अच्छा सिलेक्ट करना। अच्छा दाल तो सही, जो तुझे अच्छा लगे वो सिलेक्ट करते। ओह माय गॉड, दिस देयर आर सो मच ऑप्शंस फॉर मी। सोच कर रही है इतना, दिखा क्या है? जल्दी देख। केक। ओह यस, मुझे मीठा खाने का बड़ा मन हो रहा था, अभी केक बनेगा। ये मनसी के लिए डिफिकल्ट तो होने वाला है ना, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट, नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट? गाइस ये चैलेंज वैलेंज तो बहाना है, वैसे तो मुझे सिर्फ मनसी के हाथ का खाना है। वाओ ये तो राइम हो गया। चैलेंज वैलेंज तो सब बहाना है, वैसे तो मुझे सिर्फ मनसी के हाथ का बना हुआ खाना खाना है। वाओ मैं तो शायर बन गई यार, देख मैं कितनी क्रिएटिव हूँ। जा खुद जाकर मेरे लिए केक बना। और कौन है ये बड़ी बहन है? अरे मुझे काम करने को बोल रही है, ये बात है बना के देना चाहिए। ये बात है कि हमेशा मतलब मुझे कुकिंग करना इतना अच्छा नहीं लगता, बट इतना अच्छा नहीं आता ही नहीं है। ये आता है, मैं बनाती नहीं। किसने बोला आता है? देख मैं क्यों नहीं बनाती पता है? अगर मैं बनाने लग गई तो तुम सब लोग फेल हो मेरे सामने। मतलब मैं इतना टेस्टी खाना बनाती हूँ ना, तो तुम लोग मुझे बोलोगे डेली बना दे, तो मैंने सोचा नहीं यार उस झमेले में पड़ते ही नहीं है। भाई एक टाइम खाओ मर जाओ ये नहीं चाहिए ना हमें, जिंदा रहना है। कम नमक वाला जला हुआ नहीं खाना। अभी देखते बहुत बड़बड़ कर रही है, देखते मन से वैसे केक बना। वाओ कितनी प्यारी है मेरी बहन, जैसे ही मैंने बोला केक बना मेरे लिए तो फटाफट उसने रेडी भी कर दी सारी चीजें। वाह वाह वाह, जल्दी से बता क्या रेडी किया है तूने? ये दूध, मैदा, तेल, कोको पाउडर, कॉफी, विनेगर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर सब रेडी किया। और रेसिपी? और रेसिपी है फोन में। तुझे तो आता है ना बनाना, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे भाई मैं क्या कंप्यूटर देख कर मनस्वी केक बना रही है। आई होप ये अच्छा बनेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये तो पहले बार कर रही है ऐसा केक? नहीं पहले भी किया है मैंने यही वाला, लेकिन मैं रेसिपी भूल गई ना। एक काम करती हूँ मनस्वी, तू जल्दी से केक बना ताकि मैं शुभम को भी बुला सकूँ केक खाने के लिए। क्या लगता है चलेगा? मेरे को चलेगा, मतलब शुभम दादा को मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ तुझे, समझी? ज्यादा खाना बनाने वाले से नाटक मत करके दिखा, मुझे भी आता है, समझा ना? मुझे आता है गाइस, आपने देखा है पहले वाले ब्लॉग्स में मैं कितना खाना बनाती हूँ। तो एक बार साड़ी पहनी, इसका मत सुनो, इसको इग्नोर करो। एक बार साड़ी पहनी और किया तो मतलब वो शेफ थोड़ी भाई, वो कितना स्वादिष्ट बना था पता है तुझे? जाके शुभम को पूछ ले, वो तो हाँ ही बोलेगा। नहीं सच में जेन्युइनली अच्छा बना था गाइस। यू बेटे 10 साल बड़ी हूँ तुझसे, तो रिस्पेक्ट कर। यू शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट मी, के बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं या काम कर, काम तेरे लिए कर दूंगी। ये क्या ओरियो केक बन रहा है क्या मेरे लिए? हाँ चॉकलेट केक बन रहा है। चॉकलेट केक, ओके। ओहो लगता है केक होने वाला है, मुझे खाने मिलने वाला है। सबसे पहले तू ही खाएगी। फाइनली बहुत देर बाद मनस्वी का केक रेडी है, दिखा। चल
चेक करती हूं। ओहो वाओ, स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है यार, खुशबू एकदम। बन गया? यस बन गया। और ये देखो मैंने यहाँ पे ये वो सिरप भी बनाया जो मैं केक के ऊपर डाला। ओह नाइस, जल्दी गाइस केक बन के तो रेडी हो गया, बट थोड़ा सा टूट गया है ना साइड में। वो तो मैं हर बार कैसे मैं ना ये सिरप बनाती हूँ जिससे कि वो जॉइंट हो जाता है थोड़ा। शुभम मेरे घर आ गया है। आ गया तो जाकर आ गया और तेरे लिए कुछ तो लेके आया। ऐसा हो सकता है कि मैं मुझे जाऊँ और मैं जिधर जाऊँ उधर से तुझे कुछ लेके ना आऊँ। रुक बताता हूँ। बता, मुझे पता है, मुझे आइडिया लग जाता है। शुभ ये झुमके ओ वाओ ये कितना प्रीटी है। ये झुमका नहीं है, ये इयररिंग बोल सकते हैं इसे। मस्त एकदम बढ़िया। सो गाइस मैं मेरे गांव गया था, गांव में यात्रा वगैरह थी थोड़ी सी, तो उधर से मानवी के लिए लेके आया हूँ। और प्रसाद भी लेके आया हूँ, रुक ये देख, पेड़े तेरे लिए, पेड़े। ओह थैंक यू तेरे फेवरेट। गाइस मानवी के ऊपर ये इयररिंग्स ने एकदम पटाखा लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रही है। ये देखो ये इस ड्रेस पे नहीं सूट हो रहा है, बट अच्छा है। दिखा कैसा लग रहा है? मैंने देखा भी नहीं। मस्त एकदम भारी अच्छा लग रहा है ना, सूट तो हो रहा है ना। बहुत बढ़िया, तेरे ऊपर ऐसी कौन सी चीज ही नहीं है वो सूट नहीं होती, तेरे ऊपर सब चीज सूट होती है। ओहो तो केक बन के रेडी है मैडम का। केक थोड़ा सा ये हो गया है इधर से, बट ठीक है उतना चलेगा। ओ मनोज ने केक बनाया या मेरे लिए? वो मतलब मेरे लिए, हमारे लिए। मैंने तुझे इनवाइट किया है खाने के लिए, अभी हम टेस्ट करके बताएंगे मनोज ने केक कैसे बनाया है। गाइस मनोज एक काम करो, जो बर्थडे लंच तू सदा केक बनाओ, राइट? आने तू सदा केक कर, वही मैंने इसे बोला, पता है तुझे? वही मैंने बोला चलेगा तुझे, चलेगा। चुपचाप खाओ और बता। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ये बिन बर्थडे का केक कटा जा रहा है मनोज का। मनोज शुभम पहले टेस्ट करेगा, मतलब फर्स्ट टेस्ट करो और बता। ओके अभी शुभम को हम दे देते हैं। शुभम पहले टेस्ट करके तू बता। मैं पहले टेस्ट करूं? हां ऐसे तो मैं करने वाली थी, बट ठीक है तू बता दे कैसा है। ऐसा लग रहा है चॉकलेट का ब्लास्ट हो रहा है मुंह में। हां सच में बढ़िया, मुझे भी खाने दे यार। बढ़िया मेरे हाथों से। ओह बहुत ही बढ़िया केक बनाया था और मेरा चैलेंज तो सफल कर दिया इसने, मतलब फ्लॉप नहीं होने दिया। थैंक यू सो मच। मतलब थैंक यू तो तुझे, क्योंकि तेरा मन हो गया खुश तो। और ये इतनी छोटी उम्र में केक भी बना लेती है, वाह मुझे तो अभी भी केक बनाना नहीं आता। दैट्स ओके, बट थैंक यू सो मच। कभी भी अगर इसको कुछ भी खाना आना तो मुझे बता, आई विल श्योरली मेक फॉर यू। मेरा तो सेट है। सो गाइज आई होप यू लाइक द व्लॉग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।